बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपने घरों में हिफ्ज़ अमान में रखे। शाहीन अख्तर व्लॉग में मैं आपको कहती हूँ खुश आमदेद। आज हम नई डिश बनाने जा रहे हैं, वो एक ड्रिंक। ड्रिंक के लिए मैंने ये साबुदाना लिया है, चूल्हे पर पानी रख दिया था। साबुदाने को मैं अच्छे तरीके से पका लूँगी, फिर उसके बाद मैं आपके साथ सारी चीज़ें जो है ना दिखाती हूँ। सेवैयाँ मैंने बनाई थी लेकिन हमने उसकी वीडियो नहीं बनाई और उसको ऐड करते वक्त भी वीडियो बनाना भूल गए, क्योंकि रमज़ान रोज़ा खुलने का टाइम हो रहा था और जलती थी हम को, तो इस वजह से हमने जलती जलती ये काम करना शुरू किया। और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबा दें और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइए ये छोटी सी वीडियो कैसी बनी थी। और साबुदाना के अंदर मुझे कुछ नज़र आया तो मैंने उसको चम्मच की मदद से हटाने की कोशिश की और ये अब साबुदाना पक रहा है। और फिर उसके बाद हम बाकी सारी चीज़ें डालते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे। और माशाल्लाह बहुत अच्छे रोज़े जा रहे हैं। आप सबके रोज़े कैसे जा रहे हैं आप बताएं। रमज़ान मुबारक की वजह से टाइम नहीं मिल रहा कि हम लोग वीडियो रोज़ एडिट करें, रोज़ डालें, लेकिन फिर भी हिम्मत करके हम वीडियो एडिट करते हैं, डालने की कोशिश करते हैं। और ये हमारा साबुदाना पक रहा है, इसको मैं पका रही हूँ। तो जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा छोटी सी यार जो ड्रिंक हमने बनाया ना वो कैसा बना है। और ये सारा दिन प्यास लगने के बाद जब ये ड्रिंक पिया जाता है तो एक एनर्जी और तवनाई आती है जिस्म के अंदर, तो इस वजह से ना ये हम साबुदाना का ड्रिंक बनाते हैं। तो ये साबुदाना पक चुका था, आप देख सकते हैं। अब इसको मैंने छन्नी में निकाल लिया, इसके ऊपर ठंडा पानी डालूंगी कि मज़ीद ये जो साबुदाना है निखर के आ जाए सामने। तो फिर उसके बाद ये मेरे हस्बैंड ने बाउल में एक बाउल में दूध डाला है, उसके अंदर चीनी डाल रहे हैं, आप देख सकते हैं चीनी हम डाल रहे हैं। तो फिर उसके बाद ना बाकी के अज़ा डालते जाएंगे, आपको दिखाते जाएंगे। आप भी अपने घर में ये ड्रिंक बनाएं, बच्चों को खुश कीजिए, जिनका रोज़ा है उनको खुश कीजिए, और तारी में ये ड्रिंक बना कर दीजिए। और ताकि सारा दिन जो उन्होंने रोज़ा रखा था प्यास लगी हुई थी, वो प्यास का जो एक था ना कमी हो जाती है पानी की, तो पूरी हो जाए। ये तुक मलंगे के बाद हमने ये डाला है साबुदाना, तो साबुदाना अब हमने डाल दिया ना, तो आप इसके बाद अच्छे तरीके से ना इन चीज़ों को मिक्स करेंगे। और सेवैयाँ मैंने बना के रखी थी साइड पे, मुझे याद नहीं रहा कि मैं आप ये बीच में डालूं भी। यकीन जाने के रोज़ा खुलने का टाइम था और फिर जल्दी जल्दी मैं ये ड्रिंक बना रही थी और मुझे भूल गई, मैंने सेवैयाँ भी बीच में ऐड करनी थी। इसमें सेवैयाँ पका के उनको भी ठंडा करके इसी तरीके से आप इस ड्रिंक में डालें, तो बड़े मज़े का ये ड्रिंक बना था हमारा और बच्चों को भी पसंद आया, बड़ों को भी पसंद आया। तो मैं अक्सर बनाती हूँ ये, मैंने पाइन ऐपल का ड्रिंक लाया था तो ये मैंने पाइन ऐपल इसके अंदर डाला। तो इसके अंदर रूह अफ़ज़ा डालें, जाम शीरी डालें, जो आपको पसंद है वो डालें। हाँ, हमारे पास इस वक्त रूह अफ़ज़ा थी तो हमने रूह अफ़ज़ा डाला और मुझे तो जाम शीरी अच्छा लगता है, तो लेकिन हमारे पास इस वक्त रूह अफ़ज़ा पड़ी थी तो हमने रूह अफ़ज़ा डाल दिया। तो आपके घर में जो भी मौजूद हो तो आप वो डालें ड्रिंक के अंदर और बच्चों को खुश करें। बच्चे जो अच्छे तरीके से पी सकते हैं, बड़े अच्छे तरीके से जो उनको पसंद हो वो डाल के फिर, या अब हम इसके अंदर पाइन ऐपल डालेंगे। और आपको दिखाने के बाद मुझे याद आया मैंने तो इसके अंदर सेवैयाँ भी डालना दिखानी थी, तो खैर इसके अंदर वो सेवैयाँ भी पका के डालें। और ये देखें ये अब हमारा ड्रिंक तैयार है, तो बच्चों को दें, खुद पिएं और हमें दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नई वीडियो नए व्लॉग में मैं फिर हाज़िर होंगी।
इस मुबारक महीने के सदके अल्लाह ताला सबकी परेशानियों को दूर करें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।